और गाजियाबाद के सेंट मेरी क्रिश्चियन स्कूल में फीस जमा नहीं होने पर 11वीं क्लास की छात्रा को स्कूल से निकाल दिया गया। छात्रा का सीएम योगी और पीएम मोदी से न्याय की गुहार का वीडियो भी सामने आया है। वंशिका गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में रहती है। कुछ साल पहले उसके पिता का देहांत हो गया और तब से छात्रा का पूरा खर्चा उसकी विधवा माँ उठाती है। छात्रा का आरोप है कि स्कूल वालों ने उसकी माँ से बदसलूकी की है। 12 अप्रैल को मेरी मम्मी मेरे प्रिंसिपल जॉन वेनियन शर्मा सर से मिलने गई थी स्कूल में, जिन्होंने मेरा फीस का बिल 30,600 बनाया है। तो मेरी मम्मी ने उनसे रिक्वेस्ट करा, मेरी सैलरी नहीं आ रही है तो आप लोग अभी हाफ ले लीजिए, हाफ बाद में ले लीजिए और बच्चे को अलाउ कर दीजिए स्कूल में बैठने के लिए। तो उन्होंने बदतमीज़ी से बोला कि आप लोग जाइए यहाँ से, और जब आप अपनी फीस जमा करा देंगे जब ही हम बच्चे को अलाउ करेंगे बैठने के लिए। हमारी फीस में और औरों बच्चों की फीस में बहुत डिफरेंस आ रहा है, किसी की 21 है, किसी की 27 है, किसी की 31 है। मुझे ये भी पूछना था कि क्यों है ये सब डिफरेंस, तो उन्होंने बोला कि ईयर वाइज है।